तो हेलो फ्रेंड, कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक मेंढकी को दिखाया जाता है जिसका नाम मंडूकिनी होता है, और दूसरी तरफ हमें उसके पिता को दिखाया जाता है जो कि अपने राज्य में एक खेल आयोजित करना चाहते हैं, और वह ऐलान करते हैं कि जो भी इस खेल को जीतेगा वह उसका विवाह अपनी पुत्री मंडूकिनी से कराएंगे। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और राजा को बताता है कि राजकुमारी महल से भाग गई है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान होते हैं और वह अपने सेनापति को बुलाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें राजकुमारी को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ हमें राजकुमारी को उस शहर के बाज़ार में दिखाया जाता है, और उसने अपना भेष बदल दिया होता है और वह एक लड़का बनी होती है, और वह देखती है कि वहाँ पर एक रेम्बो नाम का मेंढक पंख बेच रहा है, और वह वहाँ पर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बकबका नाम का एक मेंढक आता है और रेम्बो को उसकी मधुमक्खी जिसका नाम मधुबाला होता है, और वह रेम्बो की दोस्त होती है, उसे बेचने के लिए कहता है, लेकिन रेम्बो उसे मना कर देता है। यह सुनकर बकबका रेम्बो से लड़ाई करने लगता है। दूसरी तरफ रानी राजा को कहती है कि आपको राजकुमारी पसंद के लड़के से विवाह करने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन राजा मना कर देता है। और फिर हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है जो कि 3 तीरों से लक्ष्य भेद रही होती है, और वह गेम को जीत ही रही होती है। तभी वहाँ पर गुज्जर नाम का एक मेंढक आ जाता है और सारा खेल खराब कर देता है। दूसरी तरफ राजकुमारी और रेम्बो अच्छे दोस्त बन गए होते हैं और वह खेल रहे होते हैं। तभी रेम्बो राजकुमारी को अपने साथ एक पेड़ पर ले जाता है जहाँ पर चमगादड़ रहते हैं, और वह रेम्बो के अच्छे दोस्त होते हैं। और फिर रेम्बो और राजकुमारी चमगादड़ों के ऊपर बैठकर आसमान की सवारी करने लगते हैं। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि राजकुमारी बहुत अच्छे तरीके से खेल रही होती है और वह इस पूरी गेम को जीत जाती है। जब वह राजा के पास जाती है तो राजा उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि अब तुम अपनी मर्जी से किसी से भी विवाह कर सकती हो। तभी राजकुमारी रेम्बो की तरफ देखती है, लेकिन रेम्बो वहाँ पर नहीं दिखाई देता। और फिर मूवी की आखिरी में हमें रेम्बो को दिखाया जाता है जो कि अकेला कहीं पर जा रहा होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो